टेस्ट के लिए क्यों विराट को रेस्ट की जरूरत है हम आपको बताएंगे, साथ ही पुणे में क्यों विराट को सन्नाटा पसंद नहीं है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिट्टी पर होने वाली विराट की लड़ाई की। कल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का दूसरा मैच पुणे के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां कीवियों के खिलाफ टीम इंडिया को सावधान रहना होगा। सीरीज का यह दूसरा मैच एक सेमीफाइनल मुकाबले की तरह होगा क्योंकि तीन मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से पीछे है। ऐसे में क्या काली मिट्टी पर कल कोहली कमाल कर पाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। खौफनाक मैदान पर पिच की दोहरी चाल से बचकर रहना, विराट के सामने है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का सेमीफाइनल। काली मिट्टी वाली पिच पर विराट के सामने करो या मरो का मैच, यही वो मैदान है जिसकी कड़वी यादें धोनी, विराट, धवन, रोहित और पंड्या के जहन में आज भी ताजी है। पिछले साल श्रीलंकाई टीम ने T20 मुकाबले में टीम इंडिया को सिर्फ 101 रन पर ढेर कर 5 विकेट से जीत हासिल की थी। दरअसल पुणे के इस मैच पर स्पिनर्स के साथ साथ तेज गेंदबाज भी बड़ा रोल निभाते हैं। मुंबई, पुणे और नागपुर के पिच पर काली मिट्टी अपना रंग दिखाती है। ऐसे में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वैसे भी न्यूजीलैंड की टीम में सेंटनर जैसे स्पिन गेंदबाज के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट जैसे वो गेंदबाज हैं जिन्हें ऐसी पिच खूब रास आती है। अगर कल टीम इंडिया पुणे वनडे से जीत हासिल करती है तो फिर सीरीज में विराट की उम्मीद कायम रहेगी। ऐसे में टीम इंडिया के हर खिलाड़ी को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच को सेमीफाइनल की तरह लेना होगा क्योंकि विराट अब तक अपनी कप्तानी में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं हारे। अब देखने वाली बात होगी कि विराट का विजय रथ जारी रहता है या फिर कीवी टीम कोहली का विजय रथ थाम लेती है। पुणे की पिच भले ही दोहरे चरित्र वाली है लेकिन यहां विराट के साथ केदार जाधव और हार्दिक पांड्या का सिक्का चलता है। पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ विराट, जाधव और पांड्या ने असंभव को संभव कर दिखाया था जब 15 जनवरी को इस साल सामने इंग्लैंड की टीम थी। आखिर क्या पुणे में फिर से मच सकता है विराट का शोर, देखिए। टीम इंडिया के सामने भले ही पुणे में काली मिट्टी की चुनौती है लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाज ऐसे पिचों पर गेम चेंज करना जानते हैं। विराट के साथ केदार जाधव भी जंग के लिए तैयार हैं। हार्दिक पांड्या भी पुणे में प्रहार करना जानते हैं। याद कीजिए इस साल 15 जनवरी का ये मुकाबला जब पुणे में विराट, केदार जाधव और पांड्या की रनों वाली आंधी देखने को मिली थी। हवा में गेंद और 5-6 रनों के लिए। अगर आपको अब भी कुछ याद नहीं आया तो विराट कोहली का ये बयान सुनिए। अगर आप एक आदमी को क्रेडिट देना चाहते हो तो वो केदार जाधव होंगे। जब सन्नाटा था ग्राउंड में तो मैंने कहा संडे है, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर देते हैं, इतना सन्नाटा अच्छा नहीं है बेचारे घर से। इस साल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में टीम इंडिया ने पुणे के मैदान पर असंभव को संभव करके दिखाया था। इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने 50 ओवर में 351 रनों का बड़ा टारगेट रखा था। टीम इंडिया के 4 विकेट सिर्फ 63 रनों पर गिर गए थे। हर किसी को लगा कि टीम इंडिया मैच में वापसी नहीं कर पाएगी। मैदान पर फैंस के बीच सन्नाटा पसर गया था जिससे क्रीज पर खड़े कप्तान विराट कोहली काफी निराश हो गए और फिर विराट ने केदार जाधव के साथ सबसे बड़ा प्लान तैयार किया। विराट कोहली ने 122 रनों की पारी खेली। केदार जाधव ने भी विराट के साथ शतक जड़ते हुए 120 रन बनाए महज 76 गेंदों पर। और फिर लोअर ऑर्डर में 37 गेंदों पर 40 रन बनाकर पांड्या ने 3 विकेट से टीम इंडिया की जीत पक्की कर दी। साफ है कि पुणे का ये ग्राउंड भारतीय बल्लेबाजों को खूब रास आता है। खासकर विराट कोहली पुणे के मैदान पर सन्नाटा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर आप एक आदमी को क्रेडिट देना चाहते हो तो वो केदार जाधव होंगे। जब सन्नाटा था ग्राउंड में तो मैंने कहा संडे है, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर देते हैं, इतना सन्नाटा अच्छा नहीं है बेचारे घर से। ऐसे में विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे में बदला लेने के लिए बेताब होंगे।